हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग और स्वागत है आपका मेरे कौन से एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं बक्सो सिमुलेटर। और हाँ, तुम्हें पता है हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स हो चुके हैं और भाई बहुत सारा हम इसमें काम करते हैं। अभी मेरे को और भी टेबल्स और चेयर्स लगानी है। और तुमने पिछले वाला एपिसोड देखा होगा, हमारा एक बंदा अनलॉक हुआ था जिसे कि अपना कंस्ट्रक्शन का काम करना था। अब तुम इस आंटी का घर देख रहे हो ना भाई, ब्राउन कलर का पूरा पड़ा हुआ है। तुम्हें दिख गया होगा, मेरे को याद नहीं था कि होने क्या वाला है, पर तुम्हें दिख गया ना ब्राउन कलर का इनका आंटी का घर पड़ा हुआ है ना, उसमें ही चेंजेस करेगा ये कंस्ट्रक्शन। तो चलो अभी ना मैं इसको करता हूँ, इसको हटाओ अभी और यहाँ पे इसको ठीक है। मैंने यार ये भाग मेरा रोबोट यार बहुत जल्दी भाग जाता है। तो चलो इसको मेरे को कितने 30 पेंट के कलेक्शन, मतलब पेंट के डिब्बे ला के देने थे, कैंस ला के देने हैं। तो ठीक है, अभी ना मैं इसके लिए जाता हूँ। आंटी जी अपना काम करेंगी आज, और ये सब हम कर रहे हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक वाली आंटी के लिए। अब तुम जानते हो जो आंटी की शॉप है उसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है, तो हमने क्या करना है उसमें कलर भरने हैं भाई। और वो वाला काम कौन करेगा, हमारा ये पर्सन। तो चलो अभी मेरे को इसको डिफरेंट कोई भी कलर ला के दे देना है। तो ठीक है, यहाँ पे ब्लू है, वाइट भी है, रेड है। मेरे को अगर कोई भी कलर देना है तो मैं कोई भी दे सकता हूँ ना। यहाँ पे दो मिनट रुको, यहाँ से मैं अगर बाय करूँ तो यहाँ पे एक्सपेंसिव कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, पर एक मैं रेड वाला बाय कर लेता हूँ और एक मतलब सिंपल वाले में से बाय कर लेता हूँ। उनका प्राइस ज़्यादा है नहीं। दो मिनट भैया, मैं कहाँ सीधा निकल रहा हूँ, वापस मुड़ो यहाँ से वापस मुड़ना है। अभी दूसरा कलर लेना, भूल जाते हो भाई क्या आप। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को येलो कलर लिया है। देखो ये है सिंपल कलर, उसे बस पेंट्स के कैन चाहिए जो कि हम उसे ला के दे रहे हैं। अब एक इसमें एक्सपेंसिव भी है, एक इसमें डिफरेंट कलर है, येलो सिंपल कलर है जो कि मेरे हिसाब से उसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा। तो चलो अभी ना मैं इसको दे के देखता हूँ, अगर ठीक है ले लिया तो अच्छी बात है। चलो गाइस, इसने सिंपल और एक्सपेंसिव दोनों की दोनों कैंस ले लिए हैं, तो हमने क्या करने हैं इन्हें भाई कैंस ला के देने हैं। तो मैं जल्दी से ना ये वाला काम अपना ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, हमने भाई 30 कैंस पेंट के ने दे दिए, बस 3 बाकी थे, वो मैं अभी आपके सबके सामने दे रहा हूँ प्रूफ के लिए कि हमने इसको कैंस दिए हैं। तो ठीक है, अभी ना ये मेरे हिसाब से मेरे को मॉर्निंग में मिलेगा। तो चलो भाई साहब को छोड़ आऊँ क्या, बड़ी जल्दी भाग के गए यार ये, काफ़ी ज़्यादा फास्ट। तो ठीक है, इन्हें जाने दो। अभी ना मेरे हिसाब से ये मेरे को अब रात में मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, तो मेरे को इससे रात में मिलना पड़ेगा भाई। तो कोई बात नहीं, हाँ तुम्हें देखो मैंने पिछले वाले, अगर हमारा जो अपडेट था पिछले वाला एपिसोड तुमने देखा होगा, तो उसमें हम गए थे ऑफिस, मेयर के ऑफिस में। तो हमने क्या देखा था कि जो भाई उसका पर्सन था बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड समझ लो से, तो उसे चाहिए था डक। तो मैंने सोचा डक मिलेगा कहाँ, तो भाई हमारा खास मित्र फ्लैंको, उसने मेरे को बताया डक हम आर्केड मशीन से जीत सकते हैं। तो चलो इससे मैं बात करता हूँ। ठीक है भाई, इसकी शॉप पर मेरे को शाम के 5 बजे आना है। अभी देखो रात में उसका भी काम होगा, तो इसका भी हम आर्केड का ठीक है यहीं पे वेट करते हैं जब तक रात नहीं होती। तो चलो यहाँ पे मैं कट के ना वेट करता हूँ रात होने का। तो फाइनली गाइस देखो, शाम के 5 बजने वाले हैं, बस 3 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट फाइनली 5 बज गए होंगे। एंटर हम पूरे 5 बजे ही इनके शॉप में करने वाले हैं। तो चलो फाइनली 5 बज गए, नहीं भाई 5 बजे पूरा एंटर कर रहा हूँ उनकी शॉप पर मैं। तो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स हैं, तो कौन सी गेम्स खिलाना पसंद करेंगे। तो मेरे को अभी इस पर तो कोई की नहीं आ रहा, एक अकेले इस पर आ रहा है, बाकी इस पर भी नहीं है। तो ठीक है, तीनों आर्केड मशीन्स में सेम गेम्स होंगी ना, मेरे को इतना तो सोचना चाहिए। तो यहाँ क्या है, प्रोटेक्ट द बक्सो हाउ टू प्ले। तो ठीक है, 200 LP देने पड़ेंगे इस गेम को खेलने के लिए। तो ठीक है, अभी ना इससे मेरे को प्रोटेक्ट करने अपने बक्सो, तो ये मक्खियों को मेरे को ऐसे टच करके मारना है। तो भाई इसमें तो अच्छा खासा है, बट एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को काफ़ी जल्दी ये घेर दे रहे हैं यार। देखो जैसे कि मैं अलग अलग साइड से मार रहा हूँ, इन्हें मार तो मैं काफ़ी तेज रहा हूँ, पर हाँ ये घेरने में ना भाई कोई ना कोई मेरे को लग रहा है आगे निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट आ रहे हैं। और एक बॉम्ब भी आ रहा है, और मेरे हिसाब से ग्रीन वाली मक्खी लग चुकी थी और सारी आ चुकी है। फाइनली प्राइस में मुझे आई डोंट नो क्या मिला, पर जो भी मिला अच्छा ही मिला होगा, तो सेकंड चांस लेके देखते हैं ना इस टाइम। तो चलो मक्खियों दूर हो जाओ हमारी डिश से, काफ़ी ज़्यादा है, पर इतनी सारी मक्खियाँ यार एक डिश पे आएगी तो भाई हटाना तो मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ होता ना कपड़ा वपड़ा, तो तुम समझ सकते हो भाई कपड़े से कितने प्यार से हटा सकते थे हम, घुमा फिरा के जैसा अपना स्टाइल होता है यार। तो चलो, वैसे मक्खी में कौन सा स्टाइल होता है भाई, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी मक्खियाँ मार दी हैं,
और इस गेम में मेरा यही काम है मक्खियाँ मारना। मतलब ये दिखा रहे हैं कि गेम कौन सी दी है मक्खी मारने की, भाई कोई भी बंदा हंस देगा यार। और यहाँ पे मैंने भाई पिछले बार से मैंने प्राइज मेरे को उतना ही दिया यार, पिछली बार से मैंने अच्छा खेला इस बारी, बट इन्होंने मेरे को भाई प्राइज ही गंदा दिया है। इनके साथ मैंने कोई डील रखनी नहीं, इस वाली आर्केड मशीन में मैंने गेम नहीं खेलनी भाई, इसको हटाओ, ये है बकवास गेम। मतलब कि मक्खी हटानी है यार बक्सों से अपने, $200 के पीछे, मतलब 200 LP भी लगाएं और ये देंगे हमें क्या फालतू की चीज़ें। तो चलो इस गेम को मैं ना जल्दी से बंद करता हूँ, और सेकंड गेम हमारी कौन सी होने वाली है, ये रही सेकंड गेम। तो इसमें वही डक है जो कि उसके हमने देखा था कि उसे वो ये वाली डक चाहिए थी, और हक डक टॉल टॉप प्राइस भाई सबसे एक्सपेंसिव प्राइस है इस शॉप का, मतलब इस आर्केड मशीन्स के, ये आर्केड नहीं, इस नाइट क्लब का समझ लो। या फिर तुम सब मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि गेमिंग क्लब है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता चल रहा है क्या है, पर ठीक है यहाँ से हमें प्ले करना है, तीन तीन उसमें खेल सकते हैं वैसे हम गेम। तो चलो पहला चांस लेते हैं यहाँ पे, और पहले चांस में पैसे भी लगे हैं, पर यहाँ पे हमारे 500 LP मिले हमें, तो ठीक है 400 LP गए 500 LP मिले, कोई चक्कर नहीं है भाई। ठीक है यहाँ पे सेकंड चांस लिया है, और इधर पे मेरे को इस बार 600 LP मिले हैं 400 LP की जगह, काफ़ी ज़्यादा सही है यार इस गेम में, काफ़ी जल्दी हम अमीर हो सकते हैं। वैसे तुम चाहो तो इस गेम को प्ले करो और भाई पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। तो यहाँ पे मेरी भाई बक्सो निकला है, यहाँ पे पता नहीं बक्सों की डिश है या बक्सों की रैपर्स, पता नहीं क्या चीज़ थी, यहाँ पे घड़ी निकली है भाई। तो मेरे पास वॉच हो चुकी है, डक मेरे पास बिल्कुल नहीं आए, पैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं मेरे वापस हो जा रहे हैं, बट ये मतलब ये जो डक है डक डॉल ये मेरे पास आ नहीं थी, मतलब स्मॉली या छोटी आ जाए बड़ी आ जाए दोनों में से भाई कोई भी भेज दो ना यार। भाई तीन से चार, नहीं चार क्या, मैंने 5-6 चांस तो ले लिए होंगे, पर ये मेरी डक ही नहीं लेके आ रहा भाई, इतना ज़्यादा टफ भाई इस गेम को काफ़ी ज़्यादा खेलना टफ है यार। मतलब अगर तुम्हें पता है इस गेम के बारे में ना मेरे को कमेंट में बताना कि हम वो वाले डक्स कैसे जीत सकते हैं, कैसे विन कर सकते हैं यहाँ से। मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ पे विन करके इस डक को जा पाऊँगा, तो मेरे को लग रहा भाई मेरे को इस गेम को बंद करना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा बकवास गेम है और मैं डक अभी भी जीत नहीं पाया, तीन जगह आया है। और यहाँ पे रुको यार मैं इस गेम को एग्ज़िट करता हूँ। तो ठीक है मैंने एग्ज़िट कर दिया इस गेम को, और ये जो बकवास से आर्केड मशीन्स लेके आए ना, मैंने वैसे जीता तो बहुत कुछ है, यहाँ बक्सो हो गया, और ये क्या है यहाँ पे सीट ट्रेस है, सीट ट्रेस मतलब सीट था या सीट था पता नहीं क्या चीज़ है यार ये। और यहाँ पे एक ठीक है सर्कल टाइप है, विनिंग प्राइस मिलेगा हमें, एक बक्सो भी मिल सकता है, बहुत से एक्सपेंसिव प्राइस है, और बक्सो कब से मतलब हमारा जो कार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर मैं यहाँ से एक कार्ट जीतता हूँ तो क्या मेरी दुकान पे एक और कार्ट आ जाएगा यार, ये तो मैंने सोचा नहीं, अगर मैं यहाँ से एक कार्ट खरीदता हूँ तो एक और कार्ट आ जाएगा, मेरे को कमेंट में जाके बताना, या फिर ये टॉय टाइप है कुछ। तो चलो अभी यहाँ पे ना मैं काफ़ी कुछ है, और ये तुम बर्तन ना समझना ये वॉच है, ठीक है कहीं तुम समझो भाई ये प्लेटें वाइट कलर की पड़ी हुई हैं। तो ठीक है अभी जितना मेरे पास सामान है उन्हें मेरे को उठा के लेके जाना, मैं इतना ही लेके जाना हूँ, अभी मैं दोबारा नहीं आऊँगा भाई इस आर्केड शॉप पर, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तभी वो सामान लेके जाएंगे हम। बाकी हाँ जो हमारे पास ये है इसको मैं ना चल के अभी देता हूँ, और वहाँ बक्सों ख़त्म हो गया इस टाइम, तो यहाँ मेरे को बक्सों भी बनाना है। तो चलो भाई साहब इसे ले लो तुम्हारे लिए, मैं बक्सों लेके तो आया हूँ, ख़त्म हुआ अच्छे टाइम पे ख़त्म हुआ, वैसे मैं यहाँ बक्सों का रैपर लेके आया हूँ, बट ये बक्सों ले क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड ये बक्सों क्यों नहीं ले रहा, कोई गलती होगी क्या मुझसे, तो रुको यहाँ पे बक्सों, अबे भाई ये बक्सों पिलो है, मैं वही सोचूं कि मेरे से क्या गलती हो रही है, और मेरे से यही गलती होती कि मैं बक्सों समझ के बक्सों पीले उठा लाया। तो चलो अभी ना मैं एक गमला ना इधर पे ही रख लेता हूँ, ये गमला भी मैं जीता था यार, ऐसी बात नहीं है, पुरानी निशानी है। और आंटी जी कैसे हो, मतलब इन आंटी के लिए उस कंस्ट्रक्शन वाले को हम पेंट ला के दे रहे हैं, पैसे भी दे सकते हैं, और भी भाई जितना काम होगा देखते हैं क्या क्या काम है। तो चलो कोल्ड ड्रिंक शायद से वो हमारी शॉप है एक तरह से, मुझे जहाँ तक लगता है, तो कोल्ड ड्रिंक अगर हमारी शॉप होती तो वो हमसे पैसे ना लेती, बट पैसे लेती है, कोई नहीं कोई चक्कर नहीं है अभी। तो यहाँ पे वो बिल्डर भी आ चुका है, चलो मैं बिल्डर से अभी ना बात करता हूँ, और बिल्डर क्या कहता है ज़रा इसकी तो सुनते हैं भाई, ये क्या कह रहा है इस टाइम, ठीक है आई जस्ट रियलाइजिंग दैट
भाई जो भी इसके पेंट के डिब्बे थे वो दे दिए हैं, और फाइनली पर्सन को 10 कैंस और रेड, भाई से रेड पेंट के कैंस देने हैं अब, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो भाई से ना मैं कैंस के मतलब जो रेड पेंट्स हैं उनको देता हूँ, और ये पिलोज़ अपने घर में लगाता हूँ चल के जल्दी से। तो 2 मिनट रुको, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अगर ये पिलो टाइप है तो मेरे बेड पे तो आराम से लग जाने चाहिए ने। तो ठीक है, और 1 सेकंड, ये बेड से ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा भाई? अलग ही सिस्टम है, मतलब अगर मैं इसको रखना चाहूँ इसे मैं रख नहीं सकता, इससे मेरे को देख के करना पड़ेगा यार। यहाँ पे ना मतलब मेरे को लगा था कि मैं सोफों पे रख पाऊँगा, या फिर अगर बेड या सोफों पे भी रख पाता ना भाई, मैं पक्का इसे ना और लेता, मतलब और जीतने जाता यार इस खुशी में। पर ये भाई इनके फालतू के आर्केड्स के विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा फालतू है यार, मेरे को लगा नहीं था हमारे साथ ये स्कैम करने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता गाइस, यहाँ पे मेरे को इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो चलो मैंने यहाँ ना पिलोज ऐसे ही लगा दिए हैं जो कि शायद से अच्छे लगे, और यहाँ पे हम ये रख देते हैं, ये रैपर टाइप है, इसमें हम कूड़ा रख सकते हैं ठीक है। सीट प्रेस बोल रहा हूँ मैं भाई, मैं भी गलत हो रहा हूँ आजकल। तो चलो अभी ना मेरे को जाने कलर्स के डिब्बे लेके आने हैं, मतलब रेड कलर लेके आना है, तो वो चल के देना। तो मैं जल्दी से जाके ना इसे रेड कलर ला के देता हूँ ठीक है गाइस। फाइनली मैंने सारे के सारे रेड कलर दे दिए हैं, और आई नीड रेड पेंट। तो ठीक है, और यहाँ के हल्का माई मदर विल बी वेरी हैप्पी भाई, आई होप सी लाइक्स, आगे मैं पढ़ नहीं पाया वैसे, बट इसकी मदर काफ़ी ज़्यादा खुश है। आई डोंट नो कि इसने अपने घर में कलर कराया या वो कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप पर, मेरे को नहीं पता अभी, पर देखते हैं क्या होता है। और इससे मैं अब बात कर सकता हूँ, सुबेरे शाम दोनों टाइम इससे मैं बात कर सकता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, मतलब अभी मैं बात कर सकता हूँ उससे। तो चलो अभी ना मैं चल के सो ही लेता हूँ, या सो लूँ या इससे चल के बात कर लूँ, बेस्ट क्या रहेगा मेरे लिए, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, या मेरे को जाके एक बार चेक करके आना चाहिए। तो चलो अभी ना मैं सो ही लेता हूँ, मेरे हिसाब से सोना ही मेरे लिए अच्छा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सो चुका हूँ अपने एक्सपेंसिव बेड पे, तुम्हें पता है ना एक्सपेंसिव बेड पे कितनी अच्छी नींद आती है। चलो ठीक है, अभी ना मेरे को जाके बिल्डर से दोबारा मिलना है। देखो सुबेरे शाम उसने दोनों टाइप में से कभी भी आने को बोला था, पर मैंने क्या करा, मैं सो के जा रहा हूँ उसके पास, ऐसी बात नहीं है मुँह चक के कहीं पर भी पहुँच जाओ, मैं सो फिर के जा रहा हूँ भाई अभी। और मेरे हिसाब से वो मेरे को कहाँ मिलेगा अभी, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता, पर जहाँ भी मिलेगा सही है, अपना काम बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, यहाँ पे मेरी शॉप भी आ चुकी है, और यहाँ के हालत ना काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, सही है, मेरे को लगा था कि ख़राब ना हो चुकी हो। तो ठीक है, ये रहा कंस्ट्रक्शन का बंदा, तो इससे मैं बात करता हूँ, और ये कह क्या रहा है, सॉरी बॉस इट सीम्स लाइक माई मदर डज नॉट लाइक हर न्यू, अरे भाई अभी ना कैसी कैसी बातें कर रहा था ये, और अब क्या बोल रहा, अब इसको रोजेस चाहिए, और भाई आई रियली नीड रेड रोजेस। तो अब इसको मेरे को 9 प्लांट्स देने हैं रोज के, और वो भी छोड़ो मेरे को इसको उगा के देने हैं, मतलब फार्मिंग करनी पड़ेगी यार मुझे वहाँ पे, जो कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, मेरे को सही में परेशान कर रहा है बंदा अब। तो कोई बात नहीं, तुम सब ने मेरे को कमेंट में कहा था कि भाई जाके उससे डील करो, मतलब जो जो उसके टास्क है वो पूरे करो, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसके टास्क पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो चलो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो चुका है डन। तो ठीक है, अब इससे बात करेंगे ना हम चल के, अभी 5 हैं, इसको और भी मेरे को देने हैं फ्लावर्स। तो मेरे को ना पहले ना अभी यहाँ पे फार्मिंग करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को 9 प्लांट्स लगाने हैं इधर पे। अब तुम सोच लो उसमें मेरे को पानी भी डालना है, मेरे हिसाब से देखो इसको भाई पूरा बनने में ना प्लांट्स को 1 दिन पूरा लगेगा। अब तुम्हें पता नहीं यहाँ पे 1 दिन लगने का टाइम बहुत होता है, मतलब अगर मैं सो भी गया ना इसे कोई भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला सोने का भी, यार थोड़ा बहुत रखना चाहिए था कि हाँ हम अगर रात में लगाते हैं तो हमारे दिन में बन के तैयार हो जाए एक टाइम पे। जैसे कि हमने एक फार्मिंग सिमुलेटर खेली थी भाई, उसमें यही होता था कि हम ना अपने प्लांट्स लगाते थे और सवेरे तक उठते थे वो ग्रो हो जाते थे अच्छे खासे। तो चलो यहाँ पे मेरे को इस पर वाटर डालना है, और फिर देखते हैं हमारे प्लांट्स कितने ज़्यादा ग्रो होते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ फाइनली ग्रो हो चुके हैं अपने प्लांट्स, बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पर हाँ ये ग्रो हो जाएंगे। लगा ही था गाइज इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, देखो एंड तक पहुँचा हुआ था, पर मुझे लगा कि टाइम अभी भी लगेगा। और उसमें यार ये रोज़ के प्लांट्स ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे हिसाब से, और मेरे को यही बात ना काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लगी। या फिर रात में लगाओ हाँ प्लांट्स, और मॉर्निंग तक उग जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए इनमें।
और ये बंदा भी भाई मेरे से कब मांग रहा है प्लांट। पूरा मेरा कल का दिन चला गया और पूरी रात भी चली गई। रात तो चलो मैंने सो के निकाल दी, पर हाँ अभी भी मेरे हिसाब से 2 बज रहे होंगे। और यहाँ क्या हंगामा भाई, ये क्या हुआ, हमारा टेबल चोरी हो चुका है यहाँ पे। हंगामा तगड़े वाला हो रखा है भाई, अपनी शॉप पे तगड़ा हंगामा हुआ है यहाँ पे भाई। पूरा हिला के रख दिया अपना आज का ये टेबल वेबल, और मेरे हिसाब से ना वो आगे की साइड से ही आएगा। अभी चलो मैं इसको प्लांट दूंगा ना जैसे, तो उसका वेट करूंगा और फिर उससे लेंगे अपना बक्सों का काट। फाइनली गाइज मैंने इसको सारे फ्लावर्स दे दिए हैं और आई होप माई मदर, भाई चला जा, इसने पिछली बार भी यही कहा था और आके मेरे को क्या कहता कि मेरी मम्मी खुश नहीं हुई भाई। और अब क्या कह रहा है ये कि हाँ अब दोबारा मेरी मम्मी खुश होंगी भाई। ये पगला गया यार पूरी तरह से। तो चलो इसका कोई टास्क अभी भी रहता है यार, मॉर्निंग का टाइम है अभी भी और ये जाके वहीं पे खड़ा हुआ है। मेरे को नहीं पता इसका कौन सा टास्क है, पर मेरे को कंप्लीट तो करना पड़ेगा। और ये देखो चोर वहाँ से आ चुके हैं यहाँ से घूम के, तो अभी ना इनसे मैं लेता हूँ अपनी जगह। यहीं से लेके गया था ना तू भाई, इन्हें समझना चाहिए जब तुम काट मेरी जगह। भाई ये अपनी दुकान का क्या हाल करेगा, मेरे को पता नहीं लग रहा भाई। ये अपनी दुकान ना मेरे को लग रहा है भाई बंद करवा के छोड़ेगा भाई अपनी शॉप। रेटिंग वेटिंग ना जितने किंग पॉलिटिक्स बंदे आ रहे हैं ना, सब के सब भागेंगे मेरे को लग रहा है जल्दी। तो चलो अभी इससे बात करता हूँ। इसको भाई 20,000 LP चाहिए इसे। कोई बात नहीं तू ले भाई, LP भी ले, बट मेरा काम तो कंप्लीट करके दे यार। जो तेरे को बोलता हूँ भाई वो तो करना है, रेनोवेशन। तो ठीक है इसका मेरे हिसाब से काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अभी ना मैं देखता हूँ टास्क में आ चुका है रियल, इसका नाम मेरा मैं भूल गया, रियल इस्टेट, हाँ रियल इस्टेट पर्सन है। तो चलो यहाँ पे मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे हिसाब से तुम ये देख रहे हो ना साइड में, तो यही पेंट हुआ यार रेड कलर का, इसे ही पेंट करके गया। तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई वो करने क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखो नवे नवे अपडेट्स आए हैं ऊपर की तरफ, और नवे कलर्स आए हैं जो कि हैं 10,000 LP के। अब मैं इनको भी यूज़ करूँगा भाई 10,000 LP। वैसे हमारा जो अभी है वो है कम से कम कितने का था वो, हाँ 50,000 LP का था, पर 10,000 LP का ऊपर ना बक्सो शॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मेरे को, तो उसको ना मैं इस पर ही अपग्रेड करने वाला हूँ। बट तुम्हें अगले वाले एपिसोड में पता लगेगा कि वो कलर कैसा लग रहा है। तो चलो अभी ना मेरे को यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, मतलब डक वाला काम भी नहीं हुआ, और मैं वेट कर रहा था उस पर्सन का जो कि भाई कहाँ रियल एस्टेट का पर्सन जो कि पता नहीं किस साइड घूम रहा है इस टाइम, मेरे को नहीं पता। तो चलो गाइस उसे मैं ढूंढता हूँ और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म करते हैं। होप आप सबको वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।